গাড়ি এসে গেছে, তো গাড়িতে উঠে পড়ি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আজকে হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের থার্ড দিনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি গোলকোন্ডা ফোর্ট যাওয়ার জন্য। এখন ঘড়িতে কটা বাজে? এখন বাজে হচ্ছে 11:14। 11:14 বাজে। এখান থেকে কি বুক করেছি? গাড়ি বুক করেছি, গাড়ি এসে গেছে, তো গাড়িতে উঠে পড়ি। এই যে আমাদের গাড়ি এসে গেছে, ও গেছে খাবার আনতে। আমি তো বাবলি খেয়ে নিয়েছি, তো ও সকাল থেকে কিছু খায়নি, তাই জন্য ও গেছে। এখানে একজন প্রথম দিন যার কাছ থেকে আমরা খেয়েছিলাম, খুব সুন্দর সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড তারা বানায়, তো ওখান থেকেই ও ঝট করে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়বে, এবার খেতে খেতে চলে যাবে। এই যে গাড়ির মধ্যে সমস্ত ফেলে নিয়ে খেতে বসেছে। উত্তপম, জার্নি করে আমরা এসে পৌঁছালাম গোলকোন্ডা ফোর্টে। প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার এক ঘন্টা প্রচুর জ্যাম রাস্তায় আর প্রচুর ভিড়, এক ঘন্টা জার্নি করে পৌঁছালাম। আমি বলবো যে গোলকোন্ডা ফোর্ট যদি আসেন, যেখানে আছেন সেখান থেকে অটো করে আসবেন। অটো হচ্ছে বেস্ট প্রেফারেন্স, কারণ যত ছোট ভেহিকেল হবে তত তাড়াতাড়ি ভিড় এড়িয়ে চলে আসা যায়। এই হচ্ছে গোলকোন্ডা ফোর্টের সামনেটা। আচ্ছা, গাইডের দু ধরনের ব্যাপার আছে। যদি ফুল ট্যুর করেন ফোর্টটা, তার জন্য 1000 rupees দিতে হয়, আর যদি আপনারা হাফ ট্যুর করেন তাহলে 750 টাকা। গাইড বাইরে থেকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, এবার ব্যাগ চেকিং হবে। 25 rupees টিকিট আমাদের যে গাইড নিয়েছি, তিনি চলে গেছেন টিকিট কাটতে। আমরা দুজনে লাগেজটাকে চেক করিয়ে নিয়ে এবার এগোচ্ছি ফোর্টের রে দিকে। এই যে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি, প্রচুর লাইন ঢোকার জন্য। এটা হচ্ছে টিকিটটা, এই যে টিকিট 25 টাকা করে টিকিট পড়লো। এবার শুরু হলো আমাদের গোলকোন্ডা ফোর্ট কা মেইন এন্ট্রেন্স হই। ইস গেট কা নাম হ্যায় বালা হিনসার দরওয়াজা। বালা হিনসার মিন্স একদম টপ বিল্ডিং, উসকা ইয়ে গেট হ্যায়। অন্দর 3 কিলোমিটার এরিয়া ঘুমিয়ে কাইন্ড ইয়ে গেট নেই, इसी गेट से आप अंदर जाएंगे और यही गेट से बाहर आएंगे। पूरे सूबे में 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगता है। ये 18 फीट का गेट है। ये गेट की सेफ्टी ये वाली दीवार है। अभी दीवार के बाहर में जो ठहरे हुए थे ये गेट दिखाने के, लड़ाई के टाइम ऐसे बड़े बड़े दरवाजों को दुश्मन हाथी से तोड़वा, ये दीवार नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हाथी आएगा तो ये गेट को तोड़ देगा। हाथी और दुश्मन को कंफ्यूज करने के दीवार बनाए। हाथी भाग ले तो आकर साइड से घूम जाएगा तो हाथी का फोर्स कम हो जाएगा। इतने फासले से हाथी दरवाज़ा जब तोड़ने के लिए भी ट्राई करेगा तो वो दो मोहर के ऊपर में छोटा सा होल दिख रहा, वहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल जाए तो दुश्मन और हाथी इसे हट जाते हैं, ये गेट को नहीं तोड़ सकते। अंदर हमें आइए, हाथ ताली की आवाज़ है। सौ साल पहले लड़ाई के टाइम जब इन्हीं में चाहिए फोन नहीं थे, एक ताली दो ताली तीन ताली बजाकर अपना अपना मैसेज देते रहे। उस टाइम का ये टेलीफोन था। यहाँ जो ताली बज रहा है वो लेफ्ट साइड में जो व्हाइट बिल्डिंग है वो बादशाह का दरबार है, जिसका हाइट है 480 फीट। वहाँ तक ये आवाज़ सुना देता था। वहाँ से जब ताली बजाएंगे तो गोलकुंडा का जो आउटर जो वाल है 7 किलोमीटर का बाउंड्री है। आप जो गेट के अंदर में स्टार्टिंग गाड़ी में 8 गेट है, जब एनिमी जाएंगे तो आदमी उतर कर जाकर बोलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ताली बजा कर अपना अपना मैसेज देते हैं। आज भी ये आवाज़ वर्किंग में था, अभी वो बिल्डिंग को रिपेयरिंग के लिए बंद कर रखेगा। ये डायमंड कट दिख रहे हैं आपको,
उसी से आवास हमको हो रहा है, 24 तक है डायमंड कट में आवास तक करा रहा है। ये यहाँ पे 240 किलो का वजन है। उस जमाने में जो लोग फौज में भर्ती होने आते हैं तो ये वजन उठाने से इनको नौकरी नहीं मिलती। आज के ज़माने में ड्यूटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, डिग्री पढ़े लिखे। 500 साल पहले ताकतवर आदमी की जरूरी, एक ही आदमी इसको उठाया था। এটা তো উঠাতে পারলে চাকরি পাওয়া যেত ফৌজে সেই টাইমে। जैसे साहब आप ये किले का सबसे पहला नाम सुनोगे ना गोलकुंडा, इस किले का पहला नाम है तेलुगु में गोल्ला कुंडा। गोल के जमाने का राउंड जिसको उर्दू में बोलते हैं, कुंडा के जमाने का हिंद जिसको तेलुगु में पहाड़ बोलते हैं। 1143 में इसका सबसे पहला फाउंडेशन काकतिया राजा का था। काकतिया जो डायनेस्टी वारंगल, काकतिया के लोग वारंगल से आकर इसी पहाड़ पर एक मिट्टी का किला बनाए थे और उस टाइम ये लोग चरवैया थे, गाय और बकरी चरने वाले डंगर गोलू, उसी के नाम से इसका नाम था गोल्ला कुंडा छप्पट है। उसके बाद जो डायनेस्टी है कुतुब शाही ईरान के, 1518 में कुतुब शाही आकर मिट्टी का किला गिरा कर चूना पत्थर मट्टी से ये किला बनाने में 62 साल का टाइम लगा। 62 ईयर्स में इस किले को जब वो बनवाए 3 बादशाह मिल गया, सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। आखिरी जो बादशाह है अब्दुल हसन तानेशाह, इस पर जब रूल कर रहे थे 1687 में मुगल नम पर अटैक कर औरंगजेब हमला कर 8 महीने ये किले पर लड़ाई की। 8 महीने के बाद औरंगजेब ये गोलकुंडा जीत के यहाँ का गवर्नर निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बनाए। निज़ाम खानदानी बादशाह नहीं थे, औरंगजेब के आर्मी के कमांडर थे। औरंगजेब गोलकुंडा जीत कर निज़ाम को गवर्नर बनाने से निज़ाम हैदराबाद पर हुकूमत करे। ये जो किला देख रहे हैं आप 500 साल पुराना है, चूना पत्थर मिट्टी का, कुतुब शाही बादशाहों के टाइम का है। अभी आप जहाँ ठहरे हुए यहाँ से वहाँ तक पूरे सिपाही ठहरते रहे सोल्जर, उस जमाने में पैरे की रिहाई है आर्मोनी। बिल्डिंग के अंदर में लड़ाई का हथियार तैयार करते थे, तोप का गोला, बंदूक और बारूद। बादशाहों के जमाने में 2 मिनिस्टर थे जिनका नाम था अक्कन्ना मादन्ना, यहाँ काम करते। जब मिनिस्टर काम करेंगे तो बुक्स और किताबों के लिए कोई अलमारी नहीं थी, यह रिकॉर्ड्स रखने के लिए। जब ऑफिस बंद करेंगे दरवाजे नहीं थे, ये ब्रैकेटों में होल है चारों तरफ, लकड़ी डालकर पर्दा छोड़कर एक एक रूम बनाकर ऑफिस के एरिया। हिंदुस्तान के जितने राजा महाराजा ये गोलकुंडा पर आते थे सिर्फ हीरों की खरीदी के लिए। इसी किले गोलकुंडा से जो फेमस हुआ डायमंड, जो कहनूर जो हीरा, इसी गोलकुंडा का है। जो इंग्लैंड रानी जो थे वो इंग्लिजबेथ के ताज में था, जो यहाँ से गया है। इस गोलकुंडा से 300 किलोमीटर दूर पर डायमंड माइन थी विजयवाड़ा कृष्णा नदी, वहाँ से हीरे लाकर यहाँ बिजनेस करते थे। आसपास के जितने जो एरिया होते थे 200-300 किलोमीटर दूर तक कुतुब शाही हंडौर में हुआ करते थे, तो वहाँ से हीरे यहाँ लाते थे, इसलिए गोलकुंडा माइंस बोला जाता है। आइए आउटर बाउंड्री यहाँ। दूर में कुछ आपको दीवार दिखाई दे रहे हैं दादा, एकदम ब्राउन कलर की जो बाउंड्री है देखिए, आउटर वाले गोलकुंडा का 7 किलोमीटर एरिया राउंड, जिस पर 8 गेट, 52 खिड़की और 87 तोपे हैं। अभी आप फोर्ट का इनसाइड जो एरिया घूम रहे 3 किलोमीटर, ये इनर वॉल। 3 किलोमीटर अंदर बादशाह बेगम रहने के महल थे, आउटर और इनर में पूरी फौज और पब्लिक। अभी जो शहर जो डेवलप हुआ, पहले वो जंगल था और ये शहर था, अब ये जंगल हो गया और वो शहर हो गया। हाँ, 4 मीनार बने हुए हैं। अभी दिखाने जा रहे हैं मौसम की खराबों के वजह से, तो यहाँ से उसके 2 मीनार क्लियर किए गए। ओल्ड सिटी है, जो साइड ओल्ड सिटी है सेकेंड राउंड, नया शहर ये साइड है साइबराबाद, जो आज से 20-25 साल पुराना शहर है, हाईटेक सिटी। বলো একটু দাঁড়াই, দাঁড়িয়ে নিতে পারো, ওকে না চলো বলো হাতে রাখো। বাবা তো পপ করে চলে গেল,
বুঝেছো গাড়ি তো পুরপুর করে উঠে চলে যাচ্ছে আর কত উঠতে হবে যাই না বুঝে পড়েছি তার মধ্যে বেশ ভালো গরম ডিসেম্বর কে বলবে প্রচন্ড গরম ফ্যাশন ফ্যাশন মূলে গিয়ে ক্লিপ ক্লিপ লাগিয়ে নিয়েছি চলো 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 ব্যাগটা নিয়ে আমি না পাচ্ছ না তুমি ব্যাগ থাক ব্যাগে আমার অসুবিধা হচ্ছে না इस किले गोलकोंडा पर जितने बादशाह कुतुब शाही रूल किए मरने के बाद वहीं लेकर जाते हैं इस फोर्ट से 2 किलोमीटर दूर है हर बादशाह अपनी जिंदगी में बनाते हैं नहीं मरने से पहले मरने के बाद वहां दफन करते हैं शाही कब्रिस्तान है ये रामदास जी राम मंदिर कहाँ का पत्थर वहाँ इस्तेमाल करें और इस फोर्ट को ऐसे नीचे से ऊपर नहीं के बनाते हुए इस फोर्ट को ऊपर से नीचे उतरे जहाँ जरूरत नहीं पड़ी पहाड़ काटने की बड़े रॉक्स के ऊपर से दीवारें बनाते हैं ये किला पहाड़ में बने हुआ उस जमाने का सब अब बोलो ना एक बहुत बड़ी आवाज अरे रोंडी बताइए ये रामदास का जेल है गोलकोंडा में रामदास को 12 साल कैद किया गया ये जो बजरा चले में राम लिखते हैं वो जगह वाइट पे की मूर्ति बना राम लिखा ये जो होल है हवा रोशनी रस्सी से खाना पानी यहाँ जो कैद करे पब्लिक जेल नहीं था अनाज का भंडार खाली कर कर सेपरेट कर 12 साल के बाद राम और लक्ष्मण बादशाह के सपने में आकर पैसा देकर यहाँ चले क्योंकि रामदास उस जमाने में राम के भक्त थे यहाँ के जो बादशाह अब्दुल हसन तानिशाह के टाइम रामदास उस जमाने में तहसीलदार थे तहसीलदार बोले तो पब्लिक का टैक्स का पैसा वसूल था भद्राचलम जाकर 6 लाख रुपये वसूल करकर वहाँ मंदिर बनाया पब्लिक का पैसा था बगैर परमिशन काम की होकर 12 साल यहाँ कैद किया अंदर जाने के बाद ये पूरा बिल्डिंग बंद था ये अनाज भंडार था खाली करके सेपरेट कैद करे तेलंगाना के तेलुगु रामदास है महाराष्ट्र सज्जनगढ़ के अलग है जो महाराष्ट्र के रामदास ये तेलंगाना के रामदास साउथ में 2 रामदास थे एक तेलुगु एक मराठी ये तेलंगाना के तेलुगु रामदास খাবারে আনাজপত্র রাখা হতো সমস্ত স্টোর রুম ছিল আর এখানেই রামদাসকে রাখা হয়েছিল এই যে উপরে গর্তগুলো দেখছেন সেখান দিয়ে খাবার জল দেয়া হতো আর তারপর পুরো লক পাহাড়গুলো কাটেনি মানে যেখানে যেরম পাথরের দরকার সেখান থেকেই সেরম ভাবে স্ট্রাকচারটা শুরু করেছে উপর থেকে স্ট্রাকচার করা শুরু হয়েছে নিচ থেকে নয় এই কেলাটা उस टाइम भी सीढ़ी होती है इतने पर जो घोड़े आराम से ऊपर जाते ये स्टेप टूटने से इसको रिपेयरिंग करके जो खरीद अभी आप पब्लिक के रास्ते से ऊपर जा रहे हैं शाही रास्ते से नीचे उतर रहे हैं जहाँ से बादशाह बेगम पालकी में जाते हैं पालकी लेकर जाने वाले 4 आदमी 2 गिड्ढे सामने जो लंबे पीछे क्योंकि स्टेप्स का रास्ता पालकी लेवल लेवल के आदमी रहे तो पालकी नीचे ऊपर हो जाती इसलिए गिड्ढे लंबे आदमी अभी आप पब्लिक बनकर ऊपर जा रहे हैं शाही मेहमान बनकर शाही रास्ते से नीचे उतरिए अभी कोई पालकी का बंदोबस्त नहीं पैदल उतरना है शाही मेहमान तो बनेंगे अब उतरने के सिपाही काम करते अनाज देने के लिए इसको इसके ऊपर मस्जिद देखेंगे कुतुब शाही बादशाह नमाज पढ़ने की मस्जिद है अभी रिपेयरिंग का काम जारी है ये बारिश का बरसात का पानी पूरा मेंटेनेंस के लिए इसके पूरे सिपाही ठहर गए थे सोच जाओ और ये महाकाली मंदिर है उन दो तो चले जाते हैं और तो जामर हाथा गुटिए गए थे चूल माथा नंदे गुटिए ने आ गए थे के पास मिनिस्टर तहसीलदार हिंदू सिंह यहाँ पूजा करते हैं मुस्लिम किंग मुस्लिम सोल्जर के लिए मस्जिद था मस्जिद और मंदिर आजीब आजीब पूरा कन्वर्टिंग साल में एक वक्त कलर यहाँ सुरंग है 4 मीनार
এই বয়সে কেলা দুর্গা ঘুরে নেওয়াটা বেটার অপশন, কারণ আমরা যা লাইফস্টাইল লিড করি তাতে এই বয়সে পরে আর শরীরে কোনো ক্ষমতাই থাকবে না যে এই ধরনের গুলো অ্যাক্টিভিটি করার। হাইয়েস্ট পয়েন্ট হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ কা সবচেয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্ট মহা, और यहाँ से सुरंग है चार मीनार शहर के लिए, ये बंद कर दिया गया। तो पत्थर लगे हुआ दिख रहा है आपको, आज के वाला ये इमरजेंसी था, इन्हीं में अटैक होगा। रोलों पर बैठ कर मशाले जला कर चार मीनार जाते थे जमीन के अंदर से। अभी काफ़ी शहर हैदराबाद के अंदर में बड़े बड़े बिल्डिंग लग गए, जहाँ रास्ता निकला लोग बंद कर कर घर और बिल्डिंग बना दिए, रास्ता पूरा बंद हो गया। यहाँ से चार मीनार ये लास्ट पॉइंट, ये दरबार हाल ये साइड से नीचे वो बड़ा पत्थर ना है, नहीं नहीं ये छोटा छोटा ये जो सुरंग है जो आर्च है ये बंद कर रहे हैं। ये एटा होते हैं सुरंग, ये गुलो होते घोड़ा ढूँके चार मीनार अब दी जो करा था, तो इमरजेंसी सिचुएशन है एस्केप करार जोन्नो ये गुलो छिलो। হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদের সব থেকে ওপরে জায়গা হলো এইটা, 380 ফুট উপরে, 380 না 480, 380 ফুট, 480 ফুট, হ্যাঁ যাবো তো, এত কষ্ট করলাম আর ওইটুকু করবো না। এটা হচ্ছে তিন তিন মঞ্জিলা বিল্ডিং কা মহল থা, ঔরঙ্গজেব কে লড়াই মে মহল টুট কর খন্ডের হো গয়া, পুরো ছাতে আর বেডরুম সকেরে তো পুরো গির গয়া। पूरा रॉयल पैलेस इस एरिया है जिसको रानी महल बोला जाता है। सोनॉन लाइट शो यहाँ होता है रात 6:30 बजे, अच्छा उसका टाइम पर पूरा लाइटिंग वगैरह चालू होता है, लाइट शो 6:30। अभी रानी महलों के अंदर ना जाएंगे अभी बात। এটা দিয়েও নিচে যাওয়া যায়, এই রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেছে, ওই যে ওপর থেকে নামার রাস্তা। এবার আমরা ওপরের অংশটা যাচ্ছি, সব থেকে ওপরের যে অংশটা এখনকার স্টোর রুম, তখনকার কি ছিল জানি না। চলে এলাম সব থেকে ওপরে, কেন রোদে রোদে ঘুরছে, এই রোদে রোদে কেন ঘুরছে, এই সাইডে এসো, সাথে এসো, আর সব থেকে ওপরে ওটা আছে, মেবি ওটাতে আর ওঠা যায় না, উঠে যাওয়ার কাজ নেই। এই যে রাস্তাটা এই দেখছো, ওই ওখানে ওয়ার্কিং হচ্ছে, দেখছো ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, ওটা নর্মাল লোক হচ্ছে, আর এখান দিয়ে তোমার রানিয়া রাজা এটা দিয়ে নাম হচ্ছে। ওই যে ওই যে দেখছো, এই দেখো ওটা রাস্তা, নদীর কাছাকাছি জায়গাটা, নদী না কি যাই হোক মানে ওয়াটার ল্যান্ড এর কাছাকাছি এই যে জায়গাটা, এই যে এই জায়গাটা অবধি আউটার বাউন্ডারিটা, মানে অনেকগুলো বাউন্ডারি দেওয়া আছে, ওইখানে একটা আউটার বাউন্ডারি, তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে এইখানে একটা আউটার বাউন্ডারি দেখতে পাচ্ছি, মানে দু তিনটে এতে ভাগ করা ছিল সম্ভবত। খুব মেনটেনেন্সের অভাব, রাজস্থানের ফুডগুলো কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি ভালো মেনটেন করা। দুজনেও সাদা পরে এসেছি, এখানকে বেশিরভাগ বিল্ডিং সব সাদা, আমরাও সাদা পরে এসেছি, তাই জন্য আমাদের পুরো ড্রেস সিলেকশনগুলো ভুলভাল হয়ে গেছে। কালকে অত সকালে বেরোতে হয়েছে বলে রামজিতে যে আমরা ভালো কিছু পরে যাব, মানে মনে হচ্ছে ওটাই ভালো, কিন্তু তারপর মনে হচ্ছে না এটা আজকেরগুলো পরে বেরোলে রামজিতে বেশি বেটার হতো। যাই হোক, ফটো তোলা ঘোরা হয়ে গেছে, আর এবার আজকের যা দেখার জিনিস সেগুলোকে এক্সপ্লোর করছি, বেশ মজা লাগছে, পুরো শহরটাকে দেখতে পাচ্ছি। এরপরে ওই কুতুবশাহী কি জানি টাম না টাম টুম টুম কুতুবশাহী টুম, মানে হচ্ছে যতগুলো রাজা ছিল, মানে যতগুলো কুতুবশাহী ছিল তারা নিজেদের মারা যাওয়ার আগে ওখানে এর বানিয়ে নিত টুম, মানে মারা যাওয়ার পর যাতে ওখানেই ওদের, যেমন রাজস্থানে ওইগুলো কি জানি ছিল ছত্রি, রাজস্থানে যেটা ছত্রি এখানে হচ্ছে টুম কবর, হ্যাঁ হ্যাঁ,
মানে ওই সেম জিনিস আর কি। ঠিক আছে চলুন, আর আদার্স কি দেখতে পাচ্ছি সেগুলোও দেখাচ্ছি। চলো চলো, আইসক্রিম খাও, আইসক্রিম। গোলকুন্ডার হাইট জুড়ে হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠাতা, যাকে যা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে সেটাই বেটার। শাহী রাস্তা দিয়ে এবার আমরা নিচের দিকে নামছি, নামতে কষ্ট নেই, নামতে বেশ ভালোই লাগছে। এগুলো হচ্ছে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, রানীর যে দাসী থাকতো তাদের জন্য এই সার্ভেন্ট কোয়ার্টার গুলো রয়েছে। वाटर सप्लाई सिस्टम, पाइप दिख रहे हैं। ये पानी के वाटर सप्लाई सिस्टम, फोर्ट के बाहर बड़ा टैंक होता है, हैंड पंप लगाते घुमाते हुए पूरे फोर्ट में पानी को सप्लाई करते, चूने मिट्टी के जो पाइप है आई अंदर कपड़े किया हुआ। आउटर बाउंड्री में थे, वहाँ से गवर्नमेंट अभी डिस्प्ले के इलाका रखेंगे शो के लिए, बनाना एरिया में भी चालू सही है। जमाने में लाइट नहीं थे, मशालियाँ होते हैं, पूरे अंदर में रहते थे, बेडरूम से बाहर आते जो पूरा टूट गए, यहाँ जितने कपड़े किए हुए ये लोग तो सब रानी रा थकते। इस एरिया में जो भी बैठकर किंग के अगेंस्ट सोहरा किसी के भी खिलाफ कुछ घुसघुस बोलेंगे तो आवाज़ घुसता था, फौरी उसको गिरफ्तार कर लेते थे। जो कहावत है ना, दीवारों के जो कान होते हैं, ये वैसी जगह था। मसाला 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 पेशाब जो ना नमाज पढ़ने की मस्जिद है, ऊपर एक है नीचे एक है, भी रिपेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये रास्ते से नीचे उतर कर महल के अंदर से हैं, पर्दे नहीं, उस जमाने में पर्दे होते हैं, अक्सर बात नहीं है, गार्डन भी तैयार है पहले ओपन प्लेस। अच्छा, और वो लास्ट वॉक दिखा दो हाथी बांधने के लिए, हाथी खाना। अच्छा, तो जाइए यहाँ ड्रम बिल्डिंग देखिए। पूरा ड्रम वगैरह बजाते थे। अच्छा, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, पूरा नखारे वगैरह बजाते थे, उस जमाने का नखार खाना बोलते हैं इसको। आइए तोप के गोले, और जो तोपे जो देखे हाँ, हाँ। उसके गोले, ये गोले फटते नहीं थे, दरवाजे और दीवारें गिरा थे। अच्छा, अच्छा। अभी अचराफ जाली लगाए, इसको म्यूजियम बना रहे, रिपेयरिंग का काम जारी है। पानी और तेल जो गर्म करते थे यहाँ पर, पूरा आर्मरी सेंटर ছিল, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গুলো রাখা আছে। এখানে এখন রাখা নেই, মিউজিয়াম তৈরি হচ্ছে, আন্ডার কনস্ট্রাকশন। জল আর গরম তেল যেটা বলা হয়েছিল সেটা এখান থেকে ফেলা হতো, এখানে পানি আর তেলটা গরম করত। ওই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে সিপাহীরা ঢুকে এই গর্তটা দিয়ে ফেলতো। গোলকুন্ডা ফোর্ট ঘোরা হয়ে গেল, এবার খাবো, খাওয়া দাওয়া করে আবার যাবো ওই টুম দেখতে, কুতুবশাহী। তো যদি তুলতে হয় একটা প্রফেশনালের কাছ থেকে ফটো একটা তোলাবেন, ভীষণ ভালো ফটো আছে, আর 100 টাকা করে চার্জ। 100 টাকা করে ছোট সাইজ, বড় বড় মানে সাইজ মানে মোটামুটি মিডিয়াম। এফোর পাতা যেরকম হয়, এফোর পাতা সাইজের যদি হয় তাহলে সেটা 100 টাকা, আর তার চেয়ে বড় হলে কত টাকা জানি না, আমাদের দরকার নেই, 500 টাকা তোলা। তো মাস্ট, খুব ভালো, খুব ভালো ফটো উঠছে।